करते महाराज, 50 किलो और 1 क्विंटल सोयाबीन हो रही है, इन्होंने गलत डाटा रेनफॉल के पहुंचाए हैं, जबकि इसको सूखे में लेना था, सूखे में लिया नहीं। आने वाले कल में और भी किसान आत्महत्या नहीं करे, इसके लिए हम ये आंदोलन। हमें लग रहा है कि इस जिस तरीके से 50 किलो और 1 क्विंटल सोयाबीन हुई है, किसान अपनी दूसरी फसल पर बीज भी नहीं बोल सकता, ऋण नहीं दे सकता, वो बिजली के बिल नहीं भर सकता, तो वो क्या करेगा? आत्महत्या करेगा। वो आत्महत्याओं को रोकने के लिए हमारी महत्वपूर्ण तहसील का किसान और आत्महत्या नहीं करे, इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। वो सरकार को समझा रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति ऐसी है, इसलिए इसको सूखाग्रस्त घोषित करा जाए। 4 महीने के बिजली के बिल ले रहे हैं, पानी गिरा ही नहीं, कुओं में 15 दिन का पानी है, 1 महीने का पानी है, 4 महीने के बिल ले रहे हैं। किसान के पास पैसा है, ऋण भरने के लिए पैसा है नहीं। तो मेन मकसद किसान आत्महत्या नहीं करे, हमारी महत्वपूर्ण तहसील का, इसके लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, ताकि सरकार इसको सूखा घोषित करे, बिजली के बिल जो 4 महीने के भरे जा रहे हैं उनको 1 महीने का किया। प्रचार प्रसार की अनुमति देने के बाद जब हम 8 दिन से लगातार मुखर सभा कर रहे हैं, गाँव गाँव के अंदर जा रहे हैं, पब्लिक का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, अब प्रशासन प्रशासन विधिवत तरीके से गए कि हमें परमिशन दे दीजिए, हमें प्रचार प्रसार पूरा कर दिया, पब्लिक यहाँ पे 6 तारीख को 11 बजे आ जाएगी। अब प्रशासन कहता है कि अभी हम अनुमति नहीं देंगे, तो इसकी मंशा प्रशासन की क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या है, यहाँ के विधायक की क्या है, हमारे समस्या भरे हैं। और अगर कल से कोई समस्या होती है, कोई अनहोनी होती है, तो इसकी पूरी जवाबदारी यहाँ के प्रशासन की होगी, क्योंकि अगर सभा नहीं हुई तो भगदड़ मचेगा। जब उनको अपन ने जिस मकसद से बुलाया और वो मकसद पूरा नहीं होगा तो कुछ भी गड़बड़ तो हो सकती है। आपका सीधा ये आंदोलन जो है।